ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन इलाके में, जहां यहां के पूर्व विधायक कुंवर कर्ण सिंह के पिता सूरज सिंह जी की पुण्यतिथि पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है, उन्हें याद किया गया है। और इस मौके पर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हम उनसे बात करते हैं। सर, आज तो चौहान साहब का पुण्यतिथि है और मुझे लगता है हमें उनको याद करना चाहिए। ये नेता ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को जिंदा रखा। एक फाइटर थे, लड़ाकू इंसान थे, गरीबों के लिए बहुत काम करते थे, कई पदों पर रहे। हमें भी, मुझे मंगत राम जी को, दोनों को मौका मिला उनके साथ कॉरपोरेशन में रहने का। उस समय उनके साथ बिताया, उनसे सीखा हमने। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गरीबों की आवाज़ बहुत ज़ोर से उठाते हैं, और चौधरी साहब उनमें से एक थे। आदरणीय सूरज सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो ना सिर्फ राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत थे, बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत ही एक्टिव। इन्होंने समाज में, इन्होंने राजनीतिक रूप से एक अपना स्थान बनाया। मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय नेता हैं चौधरी सूरज सिंह जी, उनको मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा मेरे से पूर्व भाई जयप्रकाश जी ने बताया कि हमने दिल्ली नगर निगम में जब 1983 में चुनाव लड़ा तो उनके नेतृत्व में हमने काम किया। उनसे काम करना हमने सीखा चौधरी सूरज सिंह जी से, क्योंकि उनको नगर निगम का बहुत बड़ा अनुभव था, और उस अनुभव से मैंने भी, जयप्रकाश जी ने भी बड़ा फायदा उठाया। तो ऐसे नेता के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।